देखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो देखने के बाद भी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है ये। आप हमारे लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में सिमट सब देश में दिखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट कर और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को, ये लक्ष्य राष्ट्र ये देखे। कल दो तीन दिन से आप लोग इसमें क्या ये भी मसला रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो नेता है नीतीश कुमार जो सीएम है, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी वो देखे जाए। फिर आप इलाके वहीं से भी सिमट दीजिए, जो हमने कहा कि बड़े लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में सिमट सब सिमटा दें। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोग के दिमाग की उपज है और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं, क्योंकि आपका भी चैनल है वो एक एजेंडे के साथ चल रहा है प्रकाश जी, हम लोग उसको देख रहे हैं। इसलिए विकास की आपका भी जो चैनल है उसका भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग वाच कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोशिश हो रही है, कोशिश कोई कोशिश नहीं है। अरे केसीआर आ रहे हैं, सबों को एकजुट होने का मतलब है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, सबों को एकजुट करने का मतलब है कि सब विपक्षी सभी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित हो गए। यही सवाल है मोदी जी कि क्या ये जो ये बैठक कब तय करेंगे? हाँ, मेरा यही सवाल है कि ये जो जेडीयू का जो होने वाला है, इसमें क्या इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राजनीतिक बहस होगी कि कैसे? इसमें तो जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वो आएंगे, उनकी भी राय सुनी जाएगी, उनके परामर्श उनका लिया जाएगा, उनके विचार भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो फैसला हुआ होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा। देश में दिखने की बात की जा रही है, क्या मतलब देश में दिखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, ये लक्ष्य राष्ट्र ये देखेगा। कल दो तीन दिन का आप लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है जो आप लोग का, तो इसमें क्या ये भी मसला रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो नेता है नीतीश कुमार जो सीएम है, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी वो देखे जाए? फिर आप उसको लाके वहीं सीमित सिमट दी, अभी जो हमने कहा कि बड़े लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में सिमटा दें। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं, क्योंकि आपका भी चैनल है वो एक एजेंडे के तहत चल रहा है प्रकाश जी, हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सर राबड़ी आवाज़ है। तो इसलिए विकास की आपका भी जो चैनल है उसका भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग वाच कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोशिश हो रही है, कोशिश कोई कोशिश नहीं है। अरे केसीआर आ रहे हैं तो सबों को एकजुट होने का मतलब कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सबों को एकजुट करने का मतलब है कि सब
विपक्षी सभी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित होकर लड़े। यही सवाल है ललन जी कि क्या ये जो आप लोग ये बैठ के तब तय करेंगे। हाँ, मेरा यही सवाल है कि ये जो जेडीयू का जो होने वाला है इसमें क्या इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राजनीतिक बहस होगी कि कैसे देश तो जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है वो आएंगे, उनकी भी राय सुनी जाएगी, उनके परामर्श उनका लिया जाएगा, उनके विचार भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो फैसला हुआ होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा।